हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग की दुनिया में। तो साथियों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग में खुशखबरी आई है। जी हाँ साथियों, खुशखबरी आई है। एंड इसके साथ ही ANM 8853 एंड ANM 10709 वाले भी इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पे जो है बिहार स्वास्थ्य विभाग में काउंसलिंग डेट जारी की गई है। तो इसके रिगार्डिंग जो है बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ गुड न्यूज है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साथियों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बिना किसी देरी के सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके साथियों, तो चलते हैं हम यहाँ पे बिहार स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं इन्फॉर्मेशन को। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि अभी मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे SHSB सर्च की हूँ, है ना। इसी के नीचे यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फाइनली आप स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, है ना, यही है यहाँ पे SHSB का न्यू वेबसाइट। इसको आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि हाल ही फिलहाल में यहाँ पे देखिए 16 अक्टूबर को यहाँ पे 3 नोटिस जारी कर दिया गया था, जिसमें से एक नोटिस के रिगार्डिंग मैं साथियों कल बताई थी आप लोगों को, लेकिन अभी भी जो है 2 नोटिस बताना यहाँ पे बाकी है। तो आप लोगों को मैं आज की वीडियो में यहाँ पे 2 नोटिस के साथ साथ यहाँ पे ANM 8853 के साथ ही यहाँ पे 10709 वाले पे भी बात करूंगी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ये जो है इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। साथियों, कल जो मैं वीडियो बताई थी इसी के रिगार्डिंग ये आवश्यक सूचना जारी किया गया है। इसमें बताया जाता है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 2/2022, आप लोग यहाँ पे ये नंबर देख लेंगे, के तहत विज्ञापित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO के संविदागत पदों के विरोध दिनांक 12/9/2022 से 29/9/2022 तक जो संपन्न प्रमाण पत्र जो काउंसलिंग वगैरह हुआ था, उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की उपस्थित यानी कि जितना यहाँ पे सोचा गया था उससे कम यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये प्रेजेंट हुए थे, जिस कारण यहाँ पे अपेक्षाकृत कम रही। ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदित यहाँ पे शेष जो है 6547 बच गए हैं। अभ्यर्थी का यहाँ पे काउंसलिंग जो है दिनांक 3/11/2022 से 30/11/2022 यहाँ पे घोषित अवकाश को छोड़कर राज्य स्वास्थ्य समिति एवं परिवार कल्याण संस्थान से एक पूरा पढ़ना में निर्धारित कर दिया गया है, जो कि मैं पिछले वीडियो के माध्यम से कल भी बता चुकी हूँ कि किसको कहाँ पे और कब जाना है, कितने रैंक तक वाले को कब बुलाया गया है। एंड इसके साथ ही यहाँ पे पूर्व के काउंसलिंग में किसी कारणवश अनुपस्थित जो है उपस्थिति अभ्यर्थी जो उक्त पद के लिए यहाँ पे धारण किए हुए हैं वो अपना जो है काउंसलिंग मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन करा सकते हैं, जो भी यहाँ पे अब्सेंट थे उस दिन। एंड इसके बाद सूची तक आवश्यक सूचना की समिति के यहाँ पे जो वेबसाइट दिया गया है SHSB, इस पे आप जाके जो भी कुछ आपको पूछताछ करना हो, जानकारी लेना हो, आप ले सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथियों, मैं यहाँ पे बात करती हूँ ANM 8853 एंड यहाँ पे ANM 10709। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि CHO का सेकेंड लिस्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन तेजस्वी भैया के आने से स्वास्थ्य विभाग में बाहर आ चुकी है। तो आप लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत ही जल्द 8853 का भी पोस्टिंग होगा एंड इसके साथ ही ANM 10709 का काउंसलिंग बहुत ही जल्द आएगा। साथियों, तो कैसी लगी ये वीडियो, आई होप कि इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। बाय बाय, टेक केयर साथियों।